कुछ नहीं था, हम अपना काम स्टार्ट करके जा रहे, लेकिन ये आगे बढ़े हम पीछे, तो उसने गाड़ी के अंदर से हमको गंदा इशारा देके जीत के रहा, उसने हमको फिर अंदर से रहा, फिर हमने उनसे कहा वो बदतमीजी कर रहा है, फिर उन्होंने कहा तुम कर क्या रहे हो, रिपैक कर गए, पहले रोक ली थी उन्होंने, फिर फीडबैक करके फिर टक्कर मारी उसने। रजनी मिश्र सर, हम लोग आ रहे थे मार्केट से, मार्केट से इन लोगों को आके छोड़ा, जैसे ही हम लोगों ने टर्न किया, वैसे सामने से एक आ रहा था कार से, अच्छे खासे डिस्टेंस से आ रहा था सामने से, उसने देखा भी कि हम लोग की गाड़ी टर्न हो रही है, मगर जब ड्रिंक भी किए हुआ था वो, उसने जान बुझ के आके गाड़ी ठोकी, जैसे हम लोग उतरे उससे बात करने लगे, वैसे मेरे ऊपर गाली बकने लगा, हमको उसने पर्सनली बहुत गंदी गंदी गाली बकी, जैसे ही हमने उससे कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, वैसे वो बाहर निकला, वैसे उसने हाथापाई करनी शुरू करी, जितने भी लोग थे सबने सॉल्व करवा दिए, वो चला गया, दोबारा फिर वो 5-6 लोग लेके आए, फिर आके बदतमीजी करने लगा, हम लोग बच्चों से कह रहा गंदी गंदी गाली बकरा, उनसे कह रहा हमको मिलना तुमको चीर फाड़ डालेंगे ये, जब हम आगे बढ़े उसको कहने के, तो उसने मुझे पकड़ लिया बालों से, और बालों से पकड़ के उसने गिरा गिरा के खींच के हमको मारा, मेरे घुटने वगैरह पे कटे, पुलिस वाले दो सामने ही खड़े थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उन दोनों, और कह क्या रहे हैं कि दोनों वकील हैं, हम लोग इनका क्या कर सकते हैं, पुलिस वालों के सामने उसने हमको खींच के पकड़ के बालों से खींच खींच के मारा, वहीं पर खड़े थे और देखिए अपना कोई वो नहीं कर रहे थे कि उसको मारे, उन लोगों ने बिल्कुल भी कुछ भी किया नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये डीएवी हॉस्टल है, यहाँ पे कुछ परिवार भी रहते हैं, यहाँ पे एक दो पक्षों में चार पहिया वाहन जा रहे थे, तो उसमें टक्कर हो गई, एक पक्ष से महिलाएं थी कुछ, और दूसरे पक्ष से ब्रजेश वर्मा कुछ बता रहे हैं, पीड़ित पक्ष जो हैं, तो उन लोगों के द्वारा महिलाओं से मारपीट की गई और उन्हें गाली गलौज किया गया, और उनके वाहन को भी टक्कर मारकर उसको नुकसान पहुँचाया गया, इस पर तहरीर ली जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष बता रहा है कि पुलिस को सूचना दी थी, यहाँ पर 2 नंबर की गाड़ी है, उनके सामने उनको मारा पीटा है, तो क्या इस विषय में कोई जांच होगी या कोई रिपोर्ट आप बना करके देंगे? मेरे द्वारा जानकारी मिली है और ये बहुत ही अशोभनीय है कि पुलिस अगर पहुंच रही है, भले ही वो संख्या में कम है, कोई इशू नहीं है, उनको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, मेरा मानना है, और अगर ऐसी बात अचानक भी सत्य पाई गई तो निश्चित रूप से मैं कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दूंगा।